जंगे बद्र में हजारों के मुकाबले सिर्फ 313 थे। अब 56 मुल्क मिलकर भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं और नौजवान रजब तैयब एर्दोगान से उम्मीद लगाए हुए हैं। हम मातम, नात खानी, महफिल मिलाद, वजीफे, इमली के बीज या तस्बीह के दानों को 10 लाख 20 लाख बार घुमाकर दुनिया बदलने का ख्वाब देख रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। अगर मुसलमान अब भी ना जागे तो स्पेन हाथों से निकल गया, साजिशन खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया, बाबरी मस्जिद शहीद कराई गई, इराक और सीरिया तबाह और बर्बाद हो गया, म्यांमार बर्मा में मुसलमानों का कत्लो गारत किया गया, सैकड़ों मॉब लिंचिंग कराई गई, पाकिस्तान खुद को बर्बाद होने से रोक नहीं पा रहा है और सारे मुसलमान तुर्की से उम्मीद लगाए बैठे हैं। जंगे बद्र में हजारों के मुकाबले सिर्फ 313 थे। अब 56 मुल्क मिलकर भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं और नौजवान रजब तैयब एर्दोगान से उम्मीद लगाए हुए हैं। जंगे खंदक में महबूब इलाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर पत्थर बांधकर खुद खंदक खोदी और हम 3 टाइम बिरयानी, कोफ्ते, पिज्जा, बर्गर खाकर फेसबुक यूट्यूब पर क्रांति करने में बिजी है। उमर बिन खत्ताब, खालिद बिन वलीद, तारिक बिन जियाद, सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, अर्तुगुल बिन सुलेमान, उस्मान बिन अर्तुगुल की डीपी लगाकर हम क्रांतिकारी बने फिर रहे हैं और वो कीमती लिबास पहनकर, महंगे मोबाइल फोन, माल और जर जमा करके लग्जरी एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठकर, झुके झुके लोगों से हाथ चुमवा कर मिंबर पर बैठकर लोगों की वाह वाह की ख्वाहिश लेकर, मुसल्ले पर बैठकर दुआओं में जालिम को सिर्फ बदुआ देकर खुद को पक्का पंडू मुल्ला कौम का रहनुमा होने की गलत फहमी पाले हुए है। हम मातम, नात खानी, महफिल मिलाद, वजीफे, इमली के बीज या तस्बीह के दानों को 10 लाख 20 लाख बार घुमाकर दुनिया बदलने का ख्वाब देख रहे हैं। नौजवान नस्लों को उकाब से मुर्गा बना के, मुजाहिद से मुजाविर बना के, निजामे इलाही की जद्दोजहद और जज्बाए शहादत से दूर करके, तागुती निजाम को खुशी खुशी तस्लीम करके, जालिम और बातिल को सिर्फ बदुआ दे के हम समझ रहे हैं कि हम इंसाफ कायम करेंगे। फलिस्तीन, सीरिया, इराक, सूडान, नाइजीरिया के हालात जानकर भी हम हलक तक खाना खाके, मीठी और गहरी नींद सोके समझ रहे हैं अल्लाह गैबी मदद से सब ठीक कर देगा। क्यों भाई, ठीक क्यों करेगा? वादे के मुताबिक दूसरी कौम क्यों नहीं लाएगा? जैसे यहूदियों को खदेड़कर ईसाइयों को ले आया, जैसे ईसाइयों को खदेड़कर मुसलमानों को ले आया, क्यों ना अब मुसलमानों को खदेड़कर दूसरी कौम लाए? सब कुछ अल्लाह के जिम्मे करके खुद बुजदिली कर ली है और हमारे हाथ सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने और जालिमों बातिल को बद्दुआ देने के लिए उठते हैं। ऐसी सूरत में सिर्फ अल्लाह का आजाब आता है और कुछ नहीं। आज हमारी हालत ऐसी है कि हम गलत फहमी की नींद सोकर गैबी मदद का इंतजार कर रहे हैं और हमारे हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। कसम खुदा की, तुम अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा करो, कसम से दुनिया के खौफ से, दुनिया के डर से आजाद हो जाओगे। याद रखना, इंसान को मौत उस वक्त तक नहीं आती जब तक मौत उसके नसीब में ना हो। मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है अपना वक्त पूरा होने तक, और जब मौत नसीब में है तो जिंदगी खुद मौत से जाकर गले लग जाती है। मुसलमानों, अगर अब भी ना जागो तो